आप मुझे इमोशनल कर देंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज से 14 साल पहले ही मैंने डिसाइड किया था जिंदगी में कि मैं एक क्रॉनिक आर्टिस्ट नहीं रहूँगा. आई डिसाइडेड दिस, आई विल नॉट बी समबडी हु इज गोइंग टू काउंट माई सॉन्ग्स कि इस फिल्म में मेरा गाना क्यों नहीं है और उसमें क्यों नहीं है और इसमें किसने गाया. क्योंकि अमूमन लोगों में एक तो ये होता है कि वो काउंट करते हैं कि मेरा गाना यहाँ पे क्यों नहीं है. दूसरा, लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे टाइम बड़ा अच्छा था, आज का टाइम में क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है आज का. सो आई नेवर वॉन्टेड टू बिकम क्रॉनिक आर्टिस्ट बिकॉज आई रियलाइज वॉट एवर आई एम डूइंग इज सुपरफिशियल. अंदर कुछ और पर्पज, कुछ और सॉल्व हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि अब मुझे पता नहीं, किताब तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर इस पे इन्होंने कुछ काम किया है तो जरूर कुछ अच्छा किया होगा. आई एम श्योर यू हैव डन समथिंग गुड, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड. बट मेरी भी एक अलग सोच है, फिलोसफी है, और अपने आप को मैंने बहुत सुधारा है. मैं पहले ऐसा, मतलब मैं अभी भी पूरा सुधरा नहीं हूँ मैं, लेकिन पहले मेरा गुस्सा बहुत तेज था, मैं जेलस था, इनसिक्योर था, टिपिकल दिल्लीआई था. जब मैं आया था 91 में मुंबई, तो मतलब कैसे होता दिल्ली आइट आपको पता ही है, तो मैं भी थोड़ा वैसे था. यहाँ भी सुधरा थोड़ा मुंबई, मुंबई ने मुझे सुधारा, मुंबई ने मुझे पेशेंस दिए, मुंबई ने मुझे इतनी वो हिंदी में बड़े झक मरवाई कि मैं, मेरे गुस्सा हार्ड वर्क में बदल गया. तो मैं समझ गया कि ये सब जो चल रहा है, दिस इज जस्ट अ जर्नी टू चेंज मी फ्रॉम माई विद इन. जो मेरे अंदर क्रैक्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टर ऑफ पेरिस से भर रहे हैं. सो आई रियली बिलीव दैट व्हेन आई विल बी डाइंग, जब मैं अपनी आखिरी सांस ले रहा हूँगा, तो मुझे सब रिवाइंड होगा, मेरे पाप, मेरी अच्छाइयाँ, मेरी खराबियाँ, मेरी उपलब्धियाँ. और वो नहीं होंगी कि मैंने कितने अवार्ड्स लिए हैं, वो होंगी कि मैंने कितनी बार अपने आप को अच्छा महसूस करा है. और अपने आप को अच्छा महसूस मैं तभी करा पाऊंगा या करा चुका हूँ जब मैंने सही कुछ किया होगा. जब मैंने कुछ गलत किया होगा, तो मेरे बाहर से मैं कितना भी खुश हुआ होगा, पर अंदर से मेरे अंदर खुशी नहीं है. सो दैट्स द ट्रुथ बिहाइंड माय लाइफ. मैं आपको एक अच्छी सी घटना बताता हूँ ताकि आपका थोड़ा मूड चेंज हो जाए. फ्रॉम द ट्रूथ लाइज विदिन की उसे. मैं जब छोटा था तो मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझता था. आप लोग में से भी सब काफ़ी होंगे, हम लोग बचपन से ही अपने को अमिताभ बच्चन समझते थे. और मैं समझता था कि जब मैं बड़ा होंगे तो मैं 6 फुट 2.5 इंच का होने वाला हूँ और मैं बात भी ऐसे करने वाला हूँ भाई. और तो मैं यही समझता था कि मैं अमिताभ बच्चन बनने वाला हूँ. तो एक बार उनकी वो एक्शन फिल्में देखता था तो मुझे बड़ा मजा आता था. तो एक्शन का ही मकायल था उनके. तो मेरे घर के, हम दिल्ली में रहते थे पटेल नगर में, एक बार तो वहाँ एक छोटा सा मुंडेर थी और वहाँ पे सब बच्चे चढ़ रहे थे. मेरी उम्र होगी उसमें 6 साल. तो मैं थोड़ा सा और ओवर स्मार्ट कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ तो मैं और ऊपर चढ़ूंगा. तो मुझे याद है कि मैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश किया और वहाँ पे खुली ब्रिक्स थी, बिना सीमेंटेड ब्रिक्स. तो एक के ऊपर एक 2-3 ब्रिक्स मेरे मुँह पर धड़ 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 गिरी और नीचे गिर गया. तो मैं रोना शुरू कर दिया. तो मेरी मम्मी आई और क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो बच्चे कहते हैं, ये ना आंटी, अमिताभ बच्चन बन रहा था और इसलिए गिर गया. तो मेरा मुंह तब तक ऐसे हो गया था. तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला, बनने चला था अमिताभ बच्चन, बन के सुनील दत्त का स्माइल.